नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। चीन लगातार ताइवान और फिलीपींस पर कब्जे की फिराक में लगा हुआ है और दोनों ही देशों को अपनी सैन्य ताकत दिखाकर धमकियां दे रहा है। लेकिन इस बार चीन का ताइवान और फिलीपींस के साथ साथ अमेरिका ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ताइवान ने साफ कह दिया कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो भी अंत तक जंग लड़ेगा, जिससे चीन के होश उड़ गए। चीन ना तो अपनी चालबाजी से बाज आता है और ना ही काली करतूतों से। दुनिया में लताड़ खाने के बाद भी चीन ताइवान और फिलीपींस पर नजरें गड़ाए बैठा है और बार बार युद्ध अभ्यास कर अब दोनों देशों को डराने और धमकाने की कोशिश में लगा है। लेकिन इस बार ताइवान और फिलीपींस ने ही चीन को मुंह तोड़ जवाब देकर डरा दिया और दोनों देशों का मसीहा बनकर मैदान में उतरा अमेरिका। लेकिन वही चीन की धमकियों से भड़के ताइवान ने जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि वो आखिरी सांस तक आजादी की लड़ाई लड़ेगा। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि अमेरिकी नीति नियंताओं को लेकर मेरी जितनी समझ है उसके अनुसार उन्हें स्पष्ट रूप से चीन के हमले का खतरा दिखाई देता है। हम बिना किसी सवाल के खुद का बचाव करने के लिए तैयार हैं और अगर हमें युद्ध लड़ने की जरूरत है तो हम युद्ध लड़ेंगे। अगर आखिरी तक हमें खुद के लोगों की रक्षा करनी पड़ी तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल चीन इन दिनों अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और कई घातक युद्ध पोतों के साथ ताइवान के बिल्कुल पास युद्ध अभ्यास कर रहा है। इसी बात को लेकर अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड के चीफ ने चेतावनी दी थी कि चीन कभी भी ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। लेकिन ताइवान अपने आप को अलग देश का दर्जा देता है। पिछले कुछ दिनों से चीन के लड़ाकू विमान भी लगातार ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। चीन की इस हरकत की वजह से ही ताइवान एक्टिव हुआ और अमेरिका का साथ मिलते ही चीन को उल्टी धमकी दे डाली। ताइवान का ढाल बने अमेरिका ने भी चीन को फिर से चेतावनी दी और कहा कि यदि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका के अपने सहयोगियों के प्रति दायित्व हैं और जरूरत पड़ने पर वो उन्हें निभाने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ताइवान के लिए अब युद्ध के मैदान में भी साथ खड़ा हो गया है, क्योंकि चीन पिछले कुछ समय से ताइवान और फिलीपींस के लिए लगातार परेशानी खड़ी कर रहा है, जिसे देखते हुए अब अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया है। चीन लगातार युद्धाभ्यास कर ताइवान और फिलीपींस को धमकाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उन देशों पर कब्जा कर सके। लेकिन अब अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान और फिलीपींस के साथ खड़ा हो गया है और चीन को बुरे अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। अमेरिका से ताइवान की बढ़ती नजदीकियों से चीन बौखलाया हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।